हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 सितंबर दिन रविवार है। वह हिंदी महीना कुमार और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आवासीय भूखंड प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से जिनके पास खुद का आवास नहीं है, जिन्हें किराए के घर में जीवन बिताना पड़ता है, ऐसे परिवार को निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा, जिसमें खुद का आवास बनाकर वे अपना जीवन स्वतंत्र रूप से बिता सकते हैं तथा आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ समाज में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी परिवार प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करें, जिससे आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए आप अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लाडली बहना की लिस्ट अपडेट करने के लिए घर पर आ सकते हैं ये लोग, इसलिए आप सावधान रहें। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है। रीवा जिले के मनगवा थाना के टिकुरा में लाडली बहना की लिस्ट अपडेट करने के नाम पर घर में घुसे बदमाशों ने 4 लाख के जेवर पार कर दिए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकेबंदी की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। रीवा जिले की लाडली बहना के घर पहुंचे 2 बदमाशों ने लाडली बहना योजना की लिस्ट अपडेट करने के लिए घर की चेकिंग करने की बात कही। एक बदमाश बाहर बच्चियों से जानकारी पूछने लगा और दूसरा घर चेक करने के नाम पर अंदर घुस गया। उसने अलमारी तोड़ी और उसमें रखे 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। बच्चियां जब अंदर गई तो अलमारी खुली थी और जेवर गायब थे। इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। हालांकि बदमाश अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, यह आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, फिर कर्ज लेने की तैयारी में है मोहन सरकार, क्योंकि लाडली बहना सरकार पर पड़ रही है भारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नवरात्रा से 10 दिन पहले अर्थात 24 सितंबर को 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह कर्ज 2500 करोड़ रुपए के 2 हिस्सों में लिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले भी 27 दिन पहले 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस प्रकार अगस्त और सितंबर के महीने में लिए गए कर्ज का कुल आंकड़ा 15000 करोड़ रुपए हो गया है। अकेले अगस्त महीने में सरकार ने 10000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। 2500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि के लिए सितंबर 2036 तक लिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरू होगी। वहीं 25 सितंबर को सरकार को कर्ज प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कर्ज 2500 करोड़ रुपए का 19 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी ब्याज समय सितंबर 2043 तक की जाएगी। यह सारा कर्ज लाडली बहना योजना की राशि तथा विकास की योजनाओं में खर्च होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को अक्टूबर महीने में देंगे बड़ी सौगात। केंद्र सरकार आने वाले अक्टूबर महीने में देशवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सौगात के तहत देश में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे। भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को दी है। मंत्री जी ने बताया कि अक्टूबर में शुरू की जाने वाली यह योजना लगभग देश के 6 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुँचाएगी। वही मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या फिर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर महीने में ऑनलाइन वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल यानी यूविन की भी शुरुआत करेंगे, जिसे फिलहाल प्रायोगिक आधार पर ऑपरेट किया जा रहा है। यह पोर्टल गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जन्म से लेकर 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेगा, जो देशवासियों के हित में होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश को बिड़ला ग्रुप की ओर से बड़ी सौगात मिली है। बिड़ला ग्रुप मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट लगाएगा। इसकी घोषणा खुद बिड़ला ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संदीप घोष ने की है। उन्होंने बताया कि यह प्लांट उज्जैन के बड़नगर में लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में बिड़ला ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट पहले से ही हैं। पहला प्लांट सतना में है और दूसरा प्लांट
मैहर में है। अब बिड़ला ग्रुप मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक प्लांट संचालित करने जा रहा है, जिसमें उज्जैन के लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों छतरपुर जिले से खबर है, छतरपुर में राष्ट्रीय ध्वज का हुआ है अपमान, अशोक चक्र की जगह कलमा लिखकर फहराया गया है तिरंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। जिले की घुवारा तहसील के अंतर्गत ग्राम पनिया में मुस्लिम समुदाय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिखकर फहराया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। तिरंगे पर अरबी भाषा में कलमा लिखने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है। परिषद ने कहा है कि अगर जल्द ही इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों देश में कितनी है बेरोजगारी, आए हैं इसके आंकड़े। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। आज भी देश में रहने वाली एक बड़ी आबादी के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं है। फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश में 9.2% बेरोजगारी दर है। वहीं इस समय देश के हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। हरियाणा राज्य में 37.4% लोगों के पास काम करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। इसके बाद लिस्ट में दूसरा स्थान राजस्थान का है, यहाँ 28.5% लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद लिस्ट में तीसरा नाम बिहार का है, बिहार में बेरोजगारी दर 19% है। हालांकि मध्य प्रदेश का नाम इस लिस्ट में नहीं है, अर्थात मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बहुत ही कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मध्य प्रदेश को मिला है बड़ा निवेश, कोलकाता इन्वेस्टर समिट में आए हैं करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार कोलकाता गए थे। यहां उन्होंने उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, उनसे 1-to-1 चर्चा की, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं, जिसके तहत प्रदेश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो करीब 10,000 रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे, जो प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों आतिशी बनी है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री, एलजी ने दिलाई है शपथ। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। उनको एलजी विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई है। आतिशी से पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आतिशी के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा हैं। इस प्रकार से दिल्ली को फिर महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।